हेलो दोस्तों, मैं हूं समीर। आप देख रहे हैं समाचार खबरें हिंदी टीवी न्यूज। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम आरटीआई एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं। हमारे साथ कई पत्रकार यहां पे मौजूद हैं। हम लोग इस वक्त हैं मलाड वेस्ट मालवनी के इलाके में। यहां पर सादिक पठान से हम बातचीत करेंगे। वैसे तो ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे और काफी समय से इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इस वक्त महायुति चल रहा है। इस वजह से कई कार्यकर्ता जो है इनके चाहने वाले, जिनके कहने पर ये इस वक्त अपक्ष में फॉर्म भरने जा रहे हैं इलेक्शन के लिए। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप समाजवादी में थे, काफी अच्छे एक्टिव कार्यकर्ता हैं, काफी बड़े बड़े प्रोग्राम्स आपने किए हैं, इस वक्त क्या वजह हुई कि आप युति छोड़कर अपक्ष में फॉर्म भरने जा रहे हैं? देखिए, जनता का हमने बहुत सारा काम किया, जनता के हम काम आते हैं, तो जनता की रिक्वेस्ट पर हमने ये फैसला किया। जनता चाहती है कि आप इलेक्शन लड़िए और इस काबिल बनिए कि जो फंड आएगा तो आप ज्यादा काम कर सकते हैं। सर, और एक बात, हम अगर आप अपक्ष में खड़े होते हैं तो क्या दोबारा पार्टी आपको अपनाएगी? देखो, मैं पार्टी में हूँ और पार्टी में ही रहूंगा। मैं पार्टी बदल के तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हमारे जो बड़े हैं उन्हें भी ये दिखाना जरूरी है कि देखो जनता क्या चाहती है। तो हमारे साथ सादिक पठान के साथ साथ उनके सहयोगी साथी भी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि ज्यादा जनता में एक्टिव वही रहते हैं, सादिक पठान तो सिग्नेचर करते हैं। अब हम बात करेंगे तस्लीम जी से, जो कि एमपी के इलेक्शन लड़ चुके हैं, काफी अच्छे सोशल वर्कर हैं, उनका एक एनजीओ भी है बिहारी एकता मंच। उनका क्या कहना है, जो कि सादिक पठान के साथ में कदम से कदम मिलाकर रहते हैं? सर, आप बताइए कि पार्टी इस वक्त इनसे नाराज होगी या इनको सपोर्ट करेगी? अपनाएगी नहीं अपनाएगी वो बात का मसला है। अभी तो फिलहाल जो पब्लिक डिमांड है उसी हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। हम लोगों को अभी पब्लिक चाह रही है तो इलेक्शन लड़ना है। अभी पार्टी चाहे ना चाहे वो बात की बात है, वो बात की बात बाद में देखेंगे। अभी जो मेन मुद्दे की बात है वो कीजिए आप लोग। तो अभी आपने फॉर्म भर दिया है कि सर भरना बाकी है? नहीं, फॉर्म हम 28 तारीख को भरेंगे। फॉर्म आप 28 तारीख को भरेंगे? हमारी बाकी की पूरी तैयारी हो चुकी है। फॉर्म हम 28 तारीख को पूरे लव लश्कर के साथ पूरे धूमधाम से जाके हम लोग फॉर्म सबमिट करेंगे। सर, आप अपक्ष में खड़े हो रहे हैं, सीधी सी बात है, बहुत ज्यादा मेहनत का काम रहेगा। आप हमें ऐसे कैंडिडेट का नाम बताइए जो पार्टी से खड़े हो रहे हैं और उनका नाम अच्छा है, जिनको आप कंपटीशन देने वाले हैं, जिसके टक्कर में आप खड़े हो रहे हैं। टक्कर हमारा तो काम ना किया हो जिस वजह से आप नाराज हो वो बताइए। देखिए, यह मुकाबला तीन कोणीय मुकाबला रहेगा, बीजेपी, कांग्रेस और सादिक पठान। प्रेजेंट टाइम पे एमएलए जो है उनके बारे में क्या कहेंगे, क्या समस्या रही कि उनके खिलाफ खड़ा होना पड़ा? देखिए, समस्या क्या रही, हम लोग जब कुछ नहीं थे तो हम लोगों ने बहुत सारे काम किए यहाँ। जैसे 70 नंबर प्लॉट में हमने लाधिकरण का काम किया, अपने पैसे से किया, कोई एमएलए नगर सेवक के फंड से नहीं, हम लोग ने अपने निजी पैसे से वो काम किया, 70 नंबर प्लॉट लाधिकरण का। हाउसिंग बोर्ड में गणपति जहाँ बैठती थी वहां पे गटर खुला हुआ था, टूटा हुआ था, वो गटर का बनाने का काम पूरा किया। कुछ गणपति, ये गणपति के बगल में बैठने के लिए सीटिंग दिया है हम लोगों ने, चेयर दिया बैठने के लिए, ये सारी काम में किए। हॉस्पिटल में बहुत सारे लोगों का हमने ये फीस भरा, प्लस स्कूल में बच्चों को बाहर खड़ा कर देते थे तो कुछ गार्जियन माँ बाप हम लोग के पास आए तो हम लोग ने उनकी भी समस्याओं को दूर किया। सर, एक बात, जैसे आपने कहा कि गटर का या लाधिकरण का काम कराया आपने, तो इसके लिए आप अपना फंड यूज नहीं कर सकते हो, सरकार की बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं, एनओसी लेना पड़ता है तो ही आप बांध काम का इस्तेमाल कर सकते हो या कोई भी सीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो, क्या आपने उसकी परमिशन ली थी या आप पे कोई एफआईआर हुआ था? देखिए, इसमें एफआईआर की जरूरत नहीं है और सारे काम फॉर्मेलिटी से नहीं होते है, कोई जरूरी नहीं है। जनता यहाँ परेशान है, बच्चे, अंधे, नमाजी लोग सुबह फजर में जब 6 बजे उठते हैं, 5 बजे उस वक्त ठोकर लग के गिर रहे हैं, भरनी किया हुआ है। लीडर लोग बोले भरनी कर दो और भरनी करके डेढ़ डेढ़ दो दो साल पड़ा हुआ है, बच्चे बूढ़े गिर रहे, तो उस वक्त किसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए? तो अगर ऐसे लोग मोहल्ले के 10-20-50 लोग हमारे पास आ रहे कि तस्लीम भाई इसको देखिए कुछ कीजिए, तो हम सादिक पठान के सहयोग से हमने वो काम करके दिया तो उसमें बुराई क्या है, उसमें एफआईआर का क्या मसला है? लोगों का हेल्प करना, अगर एफआईआर होना है तो ऐसे दुनिया में तो कोई एफआईआर, पूरी एफआईआर ही होगी, लोग किसी का हेल्प ही नहीं करेगा। नहीं समझ पाते, किसी भी काम को करने के लिए एक प्रोसीजर होता है, गवर्नमेंट के एक रूल होते हैं, क्या आपने उसमें किया था या आपको कोई तकलीफ आई थी? तो प्रोसीजर के लिए 1.5-2 साल दिया ना, लोगों ने भरनी करके लीडर को टाइम दिया ना 1.5-2 साल, तो भरनी करने का कर ही नहीं रहे लीडर, तो क्या करेगी जनता? जनता डेली गिर रही है, मर रही है।
गिर के चोट खा रही है तो जनता करेगी क्या? हम लोगों के पास बार बार आ रही है तो हम लोग करेंगे क्या? आपने बताया कि तो हमारे हक में था, हमारे बस में था, तो हमने करवा दिया। इसके अलावा और आपने कहाँ कहाँ किया? हमने 70 नंबर में किया, हाउसिंग बोर्ड में बहुत सारे काम किए। हाउसिंग बोर्ड जो है एमएलए इलेक्शन के लिए खड़े होने वाले हैं, इससे क्या इससे पहले कभी इन्होंने कोई इलेक्शन लड़ा है? नहीं, किसी भी चीज का नहीं, 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 कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, ये फर्स्ट इलेक्शन है। इसमें हम लोगों को पूरी ताकत दिखानी भी है। आपकी क्या तैयारी है इसको लेकर? हमारी पूरी तैयारी है, हमारे साथ में समाज है, लोग है, मौलवी लोग, मौलाना लोग का भी सहयोग है हमारे साथ में, उन लोगों का की भरपूर ताउन है, तो हम लोग कहीं से भी कमजोर नहीं है, हर तरफ से हम लोग मजबूत है, दमखम सब लगाएंगे, उसके लिए जो करना पड़े वो करेंगे। ओके सर, थैंक यू हमारे से बातचीत करने के लिए।